नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, आइए नजर डाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ रोजाना भ्रष्टाचार की खबरें सामने आती हैं, तो वहीं राजधानी लखनऊ में विकास को नई उड़ान देने वाले विभाग में भी ये खेल देखने को मिल रहा है। बता दें कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में आम जनमानस के लिए बनाए गए मकान और फ्लैट्स में गड़बड़ी देखने को मिली है। वहीं एलडीए वीसी ने कार्रवाई कर एक जेई और अधिशासी अभियंता के खिलाफ उचित एक्शन के निर्देश दिए हैं। तो आइए सुनाते हैं पूरे मामले के एलडीसी वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा। लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, इसी संदर्भ में हमारे साथ एलडीए वीसी हैं डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी जी। हालांकि एक सृष्टि अपार्टमेंट है, वहां पर कार्रवाई की गई है, जेई भी निलंबित हुए हैं, अधिशासी अभियंता भी कार्रवाई हुई है। सर, क्या था पूरा मामला, कुछ स्पष्ट बताइए सर। बेसिकली कई जो अपार्टमेंट्स हमारे हैं जिनके लिए हम लोगों ने बुकिंग भी निकाल रखी है, वहाँ से कुछ अधोमानक कार्यों की लिफ्ट और राहत के बारे में शिकायतें मिल रही थी। उसके परिप्रेक्ष्य मेरे द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। वास्तविक रूप से कुछ काम खराब किए गए थे वेंडर्स द्वारा और परिवेक्षण भी नहीं किया गया, जो जेईज एक्सियंस द्वारा बार बार कहने के बाद भी। तो उनसे अनुशासनात्मक कार्रवाई इनके विरुद्ध की जा रही। वेंडर्स पे 25-25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। उनको एक विंडो दी गई है कि एक महीने के भीतर अगर काम पूरे मानक के अनुरूप नहीं होंगे तो फिर उनकी ब्लैकलिस्टिंग की जाएगी और सिक्योरिटी जब्त की जाएगी, आगे का काम नहीं कर पाएंगे। तब तक उन वेंडर्स के लिए कोई भी पेमेंट प्राधिकरण से रोक दिया गया है। सर, ये कितनी कंपनियां हैं, कितने वेंडर्स को रोका गया है? और ये भी सुनने में आ रहा है, कहा गया ये भी है कि इंजीनियरों ने ठेकेदारों को भुगतान भी कर दिया। अभी वो सब की विस्तृत जांच कराई जा रही है। वैसे तीन वेंडर्स ने काम किया वहाँ, एक तो छोटा काम किया, दो लोगों ने बड़े काम किए हैं, तो तीनों के विरुद्ध उसी तरह से कार्रवाई की जा रही है। सर, लगातार ये भी देखा जा रहा है कि आपने जब से इस कारभार को संभाला है, काफ़ी कार्रवाई में काफ़ी तेज़ी आई, उसके बावजूद भी जो वेंडर्स हैं, तमाम जो ठेकेदार हैं, इंजीनियर हैं, ये भ्रष्टाचार पे उतारू हैं, सर इसकी क्या वजह है? सर, नहीं, इसकी कोई वजह नहीं है। बेसिकली पर्यवेक्षण हमारा जितना मजबूत रहेगा उतने भी ट्रांसपेरेंट सिस्टम रहेगा और गुणवत्ता परक चीज़ें देंगे। तो हम लोग पर्यवेक्षण को अपने मजबूत कर रहे हैं कि फील्ड लेवल पे मैक्सिमम जाएं और ये चीज़ें देखें कि सही क्या चीज़ हो रही है, क्या गलत हो रहा है। सर, आखिरी क्वेश्चन ये था, जो ठेकेदार हैं उन पर कुछ कार्रवाई होगी, पुलिसिया कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होगी? तो बता दिया गया पहले कि उनके ऊपर जो कार्रवाइयाँ की गई आपको पहले बता दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ एलडीए वीसी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो भी व्यक्ति, जो भी ठेकेदार भ्रष्टाचार करेगा उसे पूरी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। कैमरामैन शुभम के साथ सागर थापा, प्राइम टीवी लखनऊ। खबर लखनऊ से है, जहां पर एक महिला ने पारा क्षेत्र में पीली पर्ची बांटकर आवासों का आवंटन कराने को कहा। ये देखते ही लोग भारी संख्या में ताला लेकर कॉलोनी में कब्जा करने के लिए इकट्ठे हो गए। वहीं पुलिस ने वहां के लोगों को समझाया, ये भी कहा ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं, आप सभी अपने अपने घर जाओ, यहाँ पर कोई कॉलोनी नहीं मिल रही है। साथ ही ऐसा करने वाले पर उचित कार्यवाही भी की जाएगी। खबर हमीरपुर से है, जहां नदियां उफान पर है। आपको बता दें कि यमुना और बेतवा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। दोनों नदियां खतरे के निशान से बह रही हैं। नदियों के बढ़ते जलस्तर से लोग परेशान हैं। वहीं एनडीआरएफ, पीसीएस और जिलाधिकारी प्रशासन बाढ़ से निपटने की तैयारियों की टीमें जुटी हुई है। वहीं बाढ़ से कई गाँव प्रभावित हैं। खबर मैनपुरी के भोगांव से है, जहां एक युवक को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। लोगों ने जीटी रोड पर घंटों जाम लगाया। ये घटना तब हुई जब युवक के घर में उस समय कुछ लोगों ने घर में घुसकर युवक के ऊपर लाठी डंडों से हमला कर दिया। वहीं अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने तीन अपराधी गिरफ्तार किया है। परिजन जो है यहाँ आक्रोशित थे और उनको समझाया दिखाया गया और गिरफ्तारी और सात संकलन करके प्रभावी ढंग से इसमें कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? इसमें अभियोग पंजीकृत करने के बाद में जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी की जा रही है।
बलिया में गंगा का जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन एहतियात के तौर पर सारी तैयारियां कर चुकी है। वहीं जिलाधिकारी ने कहा है कि गंगा का जल स्तर खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर है। साथ ही निचले स्तर पर सभी गांव वासियों को नोटिस भेजा गया है। लोगों को दूसरे स्थान पर रहने का आदेश दिया गया है। पानी बढ़ गया है, ज्यादा बढ़ गया है। बताइए, गायत्री कॉलोनी है ये? हाँ। कौन कॉलोनी है ये? गायत्री कॉलोनी है। क्या स्थिति है लोगों की? यहाँ तो सारे लोग फंसे हुए हैं, कैसे जाएंगे वहाँ पे? डूब गए सभी लोग, सारे लोग डूब रहे हैं। जो वर्तमान में गंगा नदी है वो खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर ऊपर बह रही है, और जितने भी गांव वर्तमान में प्रभावित हैं सबको नोटिस दे दिया गया है। हम गवर्नमेंट इशू कर दी है कि सेफ स्थान पर आ जाए, और जो हम लोगों के बाढ़ का है बुलंदशहर के थाना खुर्जा नगर में अपराधों पर अंकुश लगाए जाने के लिए अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया गया, जिसके तहत आज थाना खुर्जा नगर पुलिस और स्वात टीम ने हत्या की योजना बनाने वाले 5 अभियुक्तों को पुलिस ने अवैध असलाह, कारतूस और 1 लाख रुपए नकदी के साथ गिरफ्तार किया। वहीं अभियुक्तों पर गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। हत्या की योजना बनाते हुए 5 अभियुक्तों को पुलिस ने मुठभेड़ को अवैध असलाह, कारतूस और 1 लाख रुपए नगद के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में खुर्जा नगर थाने पर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त समीर, बिलाल, तालिब, शकील और शोएब हैं, जिनके पास से 1 पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस, 1 तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस और 1 लाख नगद रुपये। खबर गाजियाबाद से है। आपको बता दें कि 100 करोड़ से अधिक के बायो सीएनजी प्लांट लगने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने इस साल की शुरुआत में इंदौर में एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का शुभारंभ किया था। आपको बता दें कि सीएनजी प्लांट लगने के बाद न सिर्फ आसानी से कूड़े का निस्तारण होगा बल्कि कूड़े से बायो सीएनजी बनेगी। इस प्लांट को बनने में तकरीबन 15 महीने लग जाएंगे। सीएनजी प्लांट हमने जो लगाने की बात की है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी पहले लाई हुई है, उसमें एक प्रोविज़न है कि हम लोग इस फील्ड में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी करके जो इसमें पार्टनर्स हैं जो इसमें काम कर रहे हैं उनको इन्वाइट कर सकते हैं। तो अभी हाल में ही इंदौर में भी 550 TPD का एक प्लांट लगा है, तो हमने उसी का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया हुआ है। 3 तारीख उसकी लास्ट डेट है। इसमें 300 टन पर डे का एक प्लांट जो है यहाँ पर लगेगा, और उसके लिए जगह भी जो है हमने आइडेंटिफाई कर ली है। इससे लगभग 10 टन के आसपास बायो सीएनजी प्रतिदिन जो है वो पैदा होगी। उसमें एक प्रोविज़न ये भी रखा गया है कि वो मार्केट में बायो सीएनजी को बेच सकते हैं, लेकिन अगर नगर निगम या नगर निगम का कोई वेंडर जो हमारे साथ काम करता है अगर उस बायो सीएनजी को लेता है, खरीदता है, तो मार्केट रेट से 5 रुपये कम जो है वो हमको उपलब्ध कराई जाएगी। हरदोई के बघौली थाना क्षेत्र के तिलकपुरवा गांव में अज्ञात कारणों के चलते वृद्ध की मौत हो गई। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी, साथ ही मृतक को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बघौली का मामला है। दिलीप सनाप सोनेश्वर निवासी तिलकपुरवा, इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके फादर सोनेश्वर, जिनको लगभग 60 साल है, वह शाम को खाना खा करके 200 मीटर दूर जहां उनका चौपाल है वहां पर सोने गए थे। सुबह उनकी डेड बॉडी मिली है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि 3 वर्ष पूर्व उनके पिता से 1.5 लाख रुपए ट्रैक्टर लेने के लिए लिया गया था। 24 तारीख को जब वो पैसा मांगने गए तो विपक्षियों ने उनको धमकी दी तथा झूठे मुकदमे फंसाने की धमकी दी है। पुलिस ने शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शरीर पर कोई जहरीला चोट नहीं है। हत्या के जो भी कारण आएंगे और जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। खबर गोंडा से है, जहां कजरी तीज की तैयारियों को लेकर सरयू घाट करनैलगंज के डीएम और पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया। आपको बता दें कि आगामी 29 और 30 अगस्त को अवध क्षेत्र के ऐतिहासिक पर्व कजरी तीज के मौके पर लाखों कांवरियों को सरयू नदी से जल भरकर विभिन्न शिवालयों पर जलाभिषेक किया जाएगा।
हरदोई में कोतवाली शहर इलाके में विभिन्न जगहों पर सट्टे का कारोबार चरम पर है, जिसके चलते पुलिस ने छापा मारकर चार सट्टेबाजों को रंगे हाथों गिरफ्तार करने का दावा किया। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस इन सट्टेबाजों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कब तक करेगी। कुछ दिनों से शिकायत मिल रही थी मीडिया के माध्यम से और आम जनता के माध्यम से कि रेलवे गंज में सट्टा का बड़ा कारोबार और हरदोई जनपद में हो रहा है, जिसमें टीमें लगाई गई थी और इसके टीमों के प्रयास से कल चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इनका काम ये था कि अपने आप मोबाइल से सट्टा लगाते रहते थे और लोगों को एक रुपये का 8 रुपया देते थे। अभी भी फिर हम लोग लगे हुए हैं कि इसमें जो भी बड़े सट्टा के कारोबारी हैं उनको पकड़ करके और बड़ी कार्रवाई की जाए। श्रावस्ती के सिरसिया थाना क्षेत्र में चैलाही स्थित पंडित ब्रह्मदत्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक की पिटाई से छात्र की मौत हो गई। वहीं मामले में समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल मृतक छात्र के परिजनों से मिलने पहुंचा, साथ ही मृतक परिवार को आश्वासन भी दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के आदेश पर आज पार्टी की तरफ से हम लोग आए, इस पीड़ित परिवार से मिले। घटना बहुत दुखद है। हम मानते हैं कि फीस बकाया हो सकता है, जबकि मृतक के भाई राजेश विश्वकर्मा बता रहे हैं एक दिन पहले हमने फीस अदा कर दी थी ऑनलाइन, और जो पंडित ब्रह्मदत्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है केलाई का, उसमें उनके प्रिंसिपल को बता भी दिया था, तो फिर शिक्षक को छात्र को पीटने का औचित्य क्या। संभल में सदर कोतवाली पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया, वहीं दो अभियुक्तों को अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार भी किया, जिसकी जानकारी पुलिस क्षेत्राधिकारी ने सदर कोतवाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। जनपद संभल श्रीमान एसपी चक्रेश मीर द्वारा बदमाशों के द्वारा धरपकड़ के लिए गए अभियान जारी था, जिसमें आज प्रभारी कोतवाली संभल द्वारा तथा उसकी टीम द्वारा अंतर्राज्य जनपद मोबाइल मोटरसाइकिल गैंग का खुलासा किया गया, जिसमें दो अभियुक्त मन्नान और मुकर्रम गिरफ्तार किए गए, जिसमें उनकी निशादेही पर 2 तमंचे तथा 11 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, अभी भी उनसे पूछताछ जारी है कहां कहां से मोटरसाइकिल लिंकअप है, अभी विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर औरैया के इटावा जिले से है, जहां यमुना नदी का कहर बराबर बना हुआ है। कोटा बैराज से यमुना नदी में छोड़ा गया पानी आसपास के गांव में तबाही मचाए हुए, वहीं जलभराव से लोग काफी परेशान हैं। आपको बता दें कि लोग पलायन करने को मजबूर हैं। इस बीच एक गर्भवती महिला बाढ़ में फंस गई, तो वहीं बचाव के लिए एनडीआरएफ टीम को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ टीम ने तत्काल महिला को रेस्क्यू ऑपरेशन करके बाहर निकाला और सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया। बाढ़ इस समय हमारे लगभग 15 मजरों को प्रभावित किए हुए है। 4 हमारा जो है तहसील सदर में है और 11 तहसील अजीतमल में है। इन 11 को कवर करने के लिए 9 बाढ़ चौकियां हमारी सक्रिय है, जहां पे हमने नाव भी लगाई हुई है, और सिकरोड़ी में स्पेशली हमारी एनडीआरएफ की टीम है। सिकरोड़ी में ही पता चला कि इटावा क्षेत्र में कोई महिला है जिनको तत्काल डिलीवरी कराना जरूरी है, शालिनी नाम है उनका, तो हमारी एनडीआरएफ टीम ने तुरंत उनको रेस्क्यू किया और हॉस्पिटल पहुंचा दिया। एक बहुत ही अच्छा काम रहा, नहीं तो समय से कोई दिक्कत हो सकती थी। योगी आदित्यनाथ पर केस न चलाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने प्रतिक्रिया दी है। इस फैसले को सत्य की जीत बताकर कुछ बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, आइए सुनाते हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज यह बात स्पष्ट हो गई कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जिस तरह से पीड़ितों की आवाज उठाना एक गुनाह मान लिया गया था, योगी आदित्यनाथ जी उस समय जो पीड़ितों की आवाज उठाने का काम कर रहे थे, गोरखपुर के तत्कालीन सांसद थे, उन पर मुकदमा दर्ज करके अपनी राजनीतिक मंशा के आधार पर जो परेशान करने का प्रयास किया था, आज सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम मोहर उस पर लग गई कि अब इस मामले में मुकदमा चलाए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आज उस जाहिलियत भरी जहनीयत को भी एक करारा तमाचा है
जो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को केवल मुकदमे के आधार पर फंसा करके उनको परेशान करने की मंशा रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज ये बात स्पष्ट हो गई कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कानपुर में सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ग्रीन पार्क स्टेडियम में 10 से 15 सितंबर के बीच दुनिया के दिग्गज पूर्व क्रिकेटरों का जमावड़ा लगने जा रहा है। वहीं सचिन, सहवाग, लारा और केविन पीटरसन जैसे क्रिकेटरों को फिर से मैदान पर देखने का मौका मिलने वाला है। हालांकि इन्होंने कोरोना के बढ़ते खतरे से बचाने की भी चुनौती है। कानपुर में 10 सितंबर से 15 सितंबर तक आयोजित करा रही है। इसमें क्रिकेट के लेजेंड खिलाड़ी भाग लेंगे, जिसमें 8 टीमें हैं हमारी, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश। ये टीमें आएंगी, जिसमें पहला मैच हमारा 10 तारीख को ओपनिंग मैच होगा, वो इंडिया और साउथ अफ्रीका से खेला जाएगा, जिसमें हमारे देश के लेजेंड खिलाड़ी सुनील गावस्कर जी, सचिन तेंदुलकर, सहवाग, युवराज आदि आएंगे। संभल के पवासा ब्लॉक के गांव लालपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां मृतकों के राशन कार्ड बनवाकर राशन हड़पा जा रहा है। वहीं मामला उजागर होने के बाद जांच शुरू कर दी गई है, साथ ही डीएसओ ने कार्रवाई की बात कही है। समस्या ये है कि राशन डीलर की जो राशन वासन कम देते बात संबंध में शिकायत करी गई जी, जो व्यवहार सही नहीं है उसका राशन डीलर का। राशन डीलर का नाम है छोटी पत्नी विद्याराम जी, और छोटी का लड़का प्रेम सिंह काम करता है उसका जी, डीलरिंग का। तो उसकी जांच हुई थी आज से लगभग 3-4 महीने पहले, उसकी रिपोर्ट 25/10/2022 की दिखा दी उन्होंने। जिस रिपोर्ट दिखाई है उसमें मृतकों के बयान दिखाए हैं। ये छोटी लालपुर विकासखंड पवासा का एक गांव है, वहाँ पर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी द्वारा बयान लिया गया था और उसकी दुकान जो है निलंबित थी। पिकोना जो है कार्डधारकों के बयान के आधार पे कि वो मृतक हैं उनके मुखिया, तो इसके संबंध में हमें ये कहना है कि कोई भी कार्डधारक है, यदि उसका कार्ड पूर्व से चल रहा है और आधार सीडिंग नहीं है या यूनिट काटना हो, जोड़ना हो, तो जिस दिन उसके कार्ड में सीडिंग किया जाएगा या कार्ड के यूनिट और यूनिट या आधार जोड़े जाएंगे, तो उसमें जिस दिन जोड़े जाएंगे या आधार फिट कराया जाएगा या नाम यूनिट काटे जाएंगे, संशोधन किया जाएगा, तो वो उसी दिन का जारी होना बताया। खबर बिजनौर से है, जब भूपेंद्र सिंह को बीजेपी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाने की खबर आई तो भाजपाई जश्न में डूबे दिखे। बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष ने अपने कार्यकाल पर भाजपाइयों के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। वहीं कार्यालय में बड़ी संख्या में भाजपाइयों ने ढोल की थाप पर डांस भी किया। सभी नेताओं ने बधाई देते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह की अगुवाई में पार्टी नई ऊंचाई छुएगी, साथ ही संगठन का विस्तार होगा और कार्यकर्ताओं की संख्या में इजाफा होगा। भाई बड़े हर्ष की विषय है कि हमारे पश्चिम से ही आने वाले, पूरे प्रदेश में अपनी पहचान रखने वाले, समझ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के दिल में बसने वाले, सबको मार्गदर्शन करने वाले ऐसे हमारे माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी के हाथ में प्रदेश की बागडोर भारतीय जनता पार्टी ने सौंपी है। इसलिए हर कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का हर सिपाही हर्ष से गदगद है और उसी का हम सब लोग यहाँ जश्न मना रहे हैं। देवरिया में कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने लूट करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बदमाशों के पास से एक देशी तमंचा, कारतूस और लूट के बचे 10,000 रुपए बरामद किए हैं। साथ ही बदमाशों के पास से घटना में प्रयुक्त अवैध काइबाइन भी बरामद किया गया है। जनपद देवरिया में थाना कोतवाली क्षेत्र में 5 जुलाई को उमा श्री कॉम्प्लेक्स में एक फाइनेंस फॉरेन एक्सचेंज की दुकान पर एक लूट की घटना हुई थी। इस घटना का पूर्व में ही कोतवाली पुलिस द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके इसका नामकरण किया जा चुका है। इस घटना में जो मुख्य अभियुक्त, जिसका नाम सुनील गौंड है, जो बिहार का रहने वाला है, इस मुख्य अभियुक्त को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेते हुए घटना में प्रयुक्त की गई एक अवैध कंट्री मेड कार्बाइन को
कोतवाली पुलिस द्वारा रिकवर किया गया है। सुल्तानपुर में गणेश चतुर्थी को लेकर पहले से ही नगर में गणपति बप्पा की प्रतिमाओं को कलाकार अंतिम रूप देने में लगे हुए। वहीं कोरोना काल के 2 साल बाद शहर में गणेश उत्सव को लेकर काफी उत्साह देखने की उम्मीद बढ़ी है। आपको बता दें कि कलकत्ता शहर से 4 दशकों से आने वाले कलाकार भी समितियों से मूर्तियों का अच्छा ऑर्डर मिलने से उत्साहित है। दो साल बाद फिर से गणेश उत्सव आ रहा है, जिसको लेकर काफी प्रतिमा कलाकार अपने आप में एक उत्साह देखने को मिल रहा है। मथुरा के रेलवे स्टेशन से बच्चा चोरी करने वाले शातिर चोरों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बता दें कि मथुरा जंक्शन से बच्चा चोरी की वारदात को जीआरपी ने गंभीरता से लिया है और इस गैंग की तलाश में जीआरपी पुलिस जुट गई है। वहीं अब तक इस गैंग ने कई जगह से बच्चे चोरी किए हैं। सर लगातार बच्चे गायब हो रहे हैं स्टेशन से, उसको लेकर क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं कुछ भी चलता है जिसके वजह से लगातार बच्चे गायब हो रहे हैं। मेरी जानकारी में पहला मामला आया है तो संबंध में आपको जानकारी दी, ये भी जल्दी वर्कआउट। मथुरा में हाईवे थाना पुलिस ने सौंक रोड के पास कॉलोनी में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। जानकारी के मुताबिक एक मकान में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। पुलिस ने छापेमारी कर सेक्स रैकेट चलाने वाले 5 महिलाओं और 2 पुरुषों को गिरफ्तार किया है। वहीं पर मौका पाकर 2 आरोपी वहां से भाग भी गए। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।